मसीह की सबको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए। उसने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि हम उसकी नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके। परमेश्वर का वचन यशा में कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। आज पिता परमेश्वर हमारे दिल में एक नया गाना देता है और वो हमें एक नया जीवन देता ताकि हमारी गवाहियों के द्वारा हम प्रकाशमान हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम आराधना में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र समय के लिए जो पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के जरिए आपने हमें इकट्ठा किया ताकि हम आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना कर सके, जलाल दे सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपको वो महिमा दे सके जो स्वर्गदूत स्वर्ग में पिता परमेश्वर बहुत बहुत लोग पिता परमेश्वर मिलके आपको हसन्ना और हालेलुया गाते हैं। वो सौभाग्य आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में जुम्बिश कीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दीजिए जो इस आराधना को सुनते हैं राजा, और पिता परमेश्वर बड़े बड़े कार्य आप उनके जीवन में हमारे जीवन में करने जा रहे हैं, उसके लिए तह दिल से धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा बाप सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आराधना में जाएं और गीतों को गाएं जो कहता है मेरे दिल में नया गाना यीशु मुझे देता है, इसलिए मैं आनंद से गाऊंगा और जीवन भर उसकी स्तुति और महिमा और आराधना करता रहूंगा। जब हम पड़े थे उसने हमें अपने लहू का दाम देके हमें छुड़ाया है ताकि हम आनंदित रहें और वो अनंत जीवन को पाएं जो उसने अपनी कुर्बानी देने के द्वारा हमें दिया है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता से भी बढ़कर वो मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, उस वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। करता रहूंगा आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे लिए जल्दी आने वाला है और जो वायदा उसने हमसे किया है कि वो अपने बाप के घर जाता है, हमारे लिए जगह को तैयार करता है, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है ताकि हम उसके साथ अपने बाप के घर में शान और शौकत से ऐशो आराम से रह सके। उस वायदे के लिए धन्यवाद।
हमेशा मैं गाता रहूंगा, मेरे लिए जल्दी वह आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में मेरे दिल में एक नया गाना दिया ताकि आपके नाम की स्तुति और महिमा मेरे जुबान से मेरे हृदय से मेरे जिंदगी से हो सके, धन्यवाद। आइए हम आराधना करें और उसके अनगिनत उपकार को धन्यवाद दें और उसके अनगिनत उपकारों को हम याद करें और हाथों को उठा के उस खुदावन का जिंदा खुदावन का धन्यवाद दें, हालेलुया। पापों से मुक्ति पा सके, रोगों से चंगाई पा सके, वो हमें संभालता है, दलदल के कीच से हमें निकाल के हमें शुद्ध और पाक और पवित्र करता है और अपने गले से लगाता है, उस जिंदा खुदावन की स्तुति करें। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आत्मिक फलों से, आत्मिक वरदानों से हर एक को भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपने मनुष्य जाति को इसलिए बनाया कि आपकी स्तुति महिमा रात ना हो सके, हालेलुया। पिता परमेश्वर हर एक मांगने वाले को भर दीजिए अपनी सामर्थ से और इस्तेमाल कीजिए खुदावा, हालेलुया। मुझे प्रेम से करूँ सारी का
की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। आराधना करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे, हाथ को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, क्योंकि महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जलाल के योग्य सिर्फ आप है राजा। पिता परमेश्वर, हमारी सारी गलतियों को माफ कीजिए, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, जो भी कार्य हमने मन वचन कर्म से करके आपके क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है खुदा बाप, हम सब मान लेते हैं और छोड़ते हैं हर एक गुनाह को यीशु मसीह के लहू के नाम से, क्योंकि हमने उस उद्धार के जीवन को यीशु मसीह के द्वारा पाया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आइए हम आराधना में जाएं, उससे कहें प्राण प्रिय यीशु राजा, मेरे जीवनदायक खुदा परमेश्वर, मेरी चाहत सिर्फ आपके लिए है और इसे कोई भी मुझसे और आपसे कभी छीन ना पाएगा, संसार के अंत तक हम उसके लिए जिएंगे। आइए प्रण कीजिए और उसे कहिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आइए और जुम्बिश कीजिए और इस्तेमाल कीजिए बहुत आयत से, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। चाह तेरी ही ली
देते पिता परमेश्वर, है मेरे प्रिय प्राण प्रिय पिता परमेश्वर, मेरी चाहत सिर्फ आपके लिए है, इसे और कोई छीन नहीं पाएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं दुनिया की भीड़ में घूम गया था, घूम गई थी पिता परमेश्वर, आपने अपने बाहों फैला के पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के दलदल की कीच से मुझे बाहर निकाला ताकि अनंत काल का जीवन मैं जी सकूं। सारा धन पिता परमेश्वर जो मोह माया है कुछ दिन का है, कुछ समय के लिए है, लेकिन आपकी मोहब्बत जो आपकी अनमोल कुर्बानी वो अनंत काल तक है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उस कुर्बानी के लिए, उस प्रेम के लिए जो हम पिता परमेश्वर जो जिसके लायक भी नहीं थे, उन मनुष्य जातियों को जिसने आपको ठुकराया उसको आपने गले से लगाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय के लिए जब इस पिता परमेश्वर उपवास के दिन में हर एक लोग पिता परमेश्वर तहे दिल से अपने हर एक गलतियों के साथ में आपके पास में आते हैं, आपसे पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते, घुटने के बला के कहते हैं, सुबह से अंगीकार करते कि खुदा बाप पिता परमेश्वर हमने आपके विरुद्ध में मन वचन से कर्म से अपने अपराधों को करके आपके क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, उन सारे अपराधों गुनाहों को हम मानते हैं और छोड़ते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए, अपने गले से लगाइए। पिता परमेश्वर आपका वायदा है कि आप शीघ्र ही आने वाले हैं राजा, समय कम है मेरे भाई बहनों, समय कम है, उठिए जिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि आपका प्रकाश आ चुका है, उस ज्योति में चमके, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति खुदावन यीशु मसीह खुद है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र आराधना के समय के लिए। पिता परमेश्वर इस उत्तम भेंट को ग्रहण कीजिए, होने दीजिए पासवान के द्वारा जो हम वचन सुनेंगे, वो जो दोधारी तलवार है जो हमारे हाथ में पिता परमेश्वर, बहुत ही अनमोल वचन है खुदा बाप, उसका उस वचन को अपने हाथ में लेके इस संसार के हर एक अंधकार की शक्तियों का सामना पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से कर सके, ऐसा होने दीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप से अनुग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सभा में भाग ले रहे हर एक भाई बहन को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, हमारी गीतों को द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, सब ने मिलकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। अब हम जो है संदेश सुनने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग जो है कलीसिया की इस सप्ताह की सूचनाओं को ध्यान से देखें। भेंटों दशमांशों को देने के लिए चित्रपट पर आ रहे ब्यौरे को ध्यान से देखें और लिख लें ताकि आप लोग भेंटों और दशमांश को सही रीति से दे सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अनाउंसमेंट्स पर ध्यान दें। कलीसिया की सूचनाएं हमने देखी, आइए अब संदेश पर जाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, इस चार सप्ताह परमेश्वर ने हमें चलाया है, इस साल को बड़ी अच्छी तरीके से शुरू कराकर अनुग्रह से हमें परमेश्वर ने जो है ये साल हमारे जीवन से जोड़ा है। चार सप्ताह अच्छी तरीके से बीते और ये चौथे रविवार में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पहले सप्ताह में हमने विशेष
संकल्प लिए होंगे। मैंने संकल्प, अच्छे संकल्प के बारे में आप लोगों को बताया था और चार लंगर के बारे में बताया था। आज हम परमेश्वर की महिमा के बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर आज हमें एक विशेष संदेश को देने जा रहा है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा। ये आज के संदेश का शीर्षक है। आइए पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक 17:5। यूहन्ना की पुस्तक 17:5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु मसीह इधर महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है, इससे पहले कि वो जिस मकसद से संसार में आया था, क्रूस की मृत्यु, हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार करने के लिए, उससे पहले वो पिता से जो है प्रार्थना कर रहा है। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना, सबसे पहले वो स्वयं के लिए प्रार्थना करता है कि वो, दूसरा जो है वो पिता से हमारा परिचय कराता है, तीसरा जो है सभी विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करता है, हर एक भाई बहन के लिए जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करता है। पहले वो प्रार्थना करता है अपने लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मुझे मेरी महिमा कर ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। परमेश्वर से बोलता है कि मेरी परमेश्वर तू महिमा कर ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। परमेश्वर पिता उसे अनादिकाल से शाश्वत से जो है महिमा देता आ रहा है और आज वो कहता है विशेष मकसद से मैं जो है आज जो है तेरे सामने खड़ा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी महिमा कर ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूँ। परमेश्वर हमारे से भी उम्मीद करता है कि हम जो है परमेश्वर से इसी प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तुम हमारी महिमा कर ताकि हम भी उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं ताकि हम लोग उसकी महिमा कर सकें, बहुत सी परमेश्वर ने हमें चुन लिया है ताकि हम लोग जो है अनंत काल में उसके साथ राज कर सकें। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, उसका वायदा है दो या तीन जहां पर भी इकट्ठे होकर उसकी आराधना करते हैं, उसका नाम लेते हैं, वहां वो मौजूद होता है। आज हमारे बीच में घरों में, चाहे हम लोग घरों में बैठे हों, परमेश्वर की आराधना को देख रहे हों, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आज परमेश्वर हम लोगों को स्पर्श कर रहा है, वचन के जरिए से परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को हमें महिमा देनी है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, बनाया ही नहीं, हम भटके हुए थे, भटके हुए भेड़ की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे थे, पाप के दलदल में पड़े थे, नरक की ओर हम जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पे करुणा दिखाई, दया दिखाई और परमेश्वर ने हमें देखा और हमें अपने गले में ले लिया, अपने 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 साथ रख लिया और हमारा हर पल हर घड़ी हमारा ख्याल करता है। और इन अंतिम दिनों में जब महामारी का मौसम और इतना भयंकर जो है बातें हो रही हैं, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर है, उसका सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। इस अध्याय में, 17वें अध्याय में महिमा शब्द 8 बार आया है। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, 17:2, उसमें लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तू उसको दिया है उन सब की वह अनंत जीवन दे, उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु मसीह यहाँ कहता है जो कार्य पिता ने उसे करने को दिया था वो उसने पूरा किया है। उसने क्या क्या किया है? उसने सबसे पहले परमेश्वर के नाम को हमें बताया है, उसने वचन के जरिए से वचन को बताया है लोगों को, गली गली जाकर उसने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, यीशु परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर को परिचय दिया, परमेश्वर का परिचय लोगों को दिया, परमेश्वर के वचन को उसने लोगों को दिया, व्यवस्था को सिखाया, लोगों को बताया कि परमेश्वर क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, ये उसने जो है लोगों को बताया। हालेलुया। उसने अद्भुत और जो है आश्चर्य कर्म किए और बड़े बड़े चमत्कार किए, शैतान से ग्रस्त लोगों को शैतान से मुक्त कराया, परमेश्वर ने मरे हुओं को जिलाया, परमेश्वर ने
इतने बड़े बड़े काम करके परमेश्वर के नाम की महिमा की। हालेलुया। परमेश्वर जो है भला परमेश्वर है, आज भी वो जीवित है। परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसको खोजते हैं, वो उनको पा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कार काम किए और हम देखते हैं उसकी, परमेश्वर की उससे महिमा हुई। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय के 11वें वचन में, जहाँ पर यीशु मसीह ने जो है पानी को दाख रस में बदल दिया था विवाह के समय में, उधर उस यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर ने पहला चिन्ह गलील के काना में दिखाया, पानी को दाखरस में बदल दिया और जो है परमेश्वर ने जो है महिमा की। हालेलुया। पिता परमेश्वर की महिमा उसने की, अद्भुत और आश्चर्य कर्म किए, बहुत से बीमार थे उनको चंगाई दी। आज भी वही सामर्थ परमेश्वर का हमारे बीच में है, यदि हम उसको दिल जहाँ सच्चाई से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें स्पर्श करता है, हमें चंगाई देता है। परमेश्वर हमेशा के लिए जो है शाश्वत के लिए भला है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अद्भुत काम किए, पहले तो वचन बताए, दूसरा अद्भुत काम किए और तीसरा जो है परमेश्वर की नाम की महिमा हो और जो है लोगों को जो है सभी विश्वासियों के लिए उसने प्रार्थना की। तीसरा, उसने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की ताकि वे लोग एक होकर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक रहें। परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, विश्वासियों के लिए ही नहीं, उनके लिए भी जो विश्वासी लोग दूसरों को विश्वास में लेकर आएंगे उनके लिए भी प्रार्थना की है। विश्वासियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, विश्वासियों के आशीष के लिए प्रार्थना की है, विश्वासियों के एकता के लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर ने पहले ही क्रूस की मृत्यु को सहने से पहले ही जो है हमारे लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर हमसे भी उम्मीद करता है कि परमेश्वर की महिमा हम करें। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा करें, वचन को लोगों को बांटें। परमेश्वर हमारे जरिए से अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा यदि हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताएंगे। परमेश्वर निश्चय ही हमें सामर्थ्य से भरेगा और हमारे द्वारा परमेश्वर जो है बड़े बड़े काम करेगा, अद्भुत और चमत्कार करेगा और जो है परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और यही नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह जो है जब क्रूस की मृत्यु के लिए जा रहा है तो उसने जो है सताव के द्वारा जो है उसके आसपास लोग जो है उसे सता रहे थे, परेशान कर रहे थे, दुख और दर्द उसे दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 12:23 में जब यीशु मसीह को ले जाया जा रहा है तो वो क्या कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। महिमा कैसे हो रही है, 24वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब हम सताए जाते हैं, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट होता है परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर के कार्य के कारण, तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। हमें परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमें ये याद रखना है जब हम सताए जा रहे हैं हम जो है परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखें, जब भी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं परमेश्वर के कार्य के करते वक्त, तो जान लीजिए परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बदल रहा है और आपके सताए जाने से, आपके परेशान होने से, दुख उठाए जाने से परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह की महिमा उधर हो रही है क्योंकि वो सताए जाने वाला है। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु उसके सामने है, वो फिर भी प्रसन्न होकर कहता है कि परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा होने वाली है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम देखते हैं तीसरी बात जो ये इधर कर रहा है, 17वें अध्याय के
आखिरी भाग में लेखांश में लिखा है कि वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग, हम विश्वासी भाई लोग एक रहें, एकता हमारे बीच में हो, हम एक दूसरे के लिए जो है चिंता करें, एक दूसरे की जरूरतों के लिए चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आप कलीसिया में आते हैं और आपको पता चलता है किसी भाई की को बीमार है, वो बीमार है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो तुरंत आप उसे लिख कर रख के घर में आके प्रार्थना कीजिए। यहाँ भी समय मिले उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए रोइए। परमेश्वर जो है उससे महिमा पाएगा। हालेलुया। आप लोग वचन को लोगों को बताइए, परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। मात्र दो जनों को परमेश्वर के वचन को बताइए, परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर जो है यही हमसे चाहता है, हमसे चाहता है कि हम कलीसिया भाई बहन एक साथ रहें, विश्वासी भाई बहन एक साथ रहें, एक मन होकर काम करें। जब एक होकर काम करेंगे परमेश्वर की महिमा होगी और कार्य जो है सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा सबसे जरूरी है हमारे लिए जीवन में करना। हालेलुया। दूसरी बात, हमें चाहिए कि प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की। प्रार्थना प्रार्थना, अक्सर हम बोलते हैं प्रार्थना 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 करते हैं, प्रार्थना करना चाहिए और दूसरों को भी बताते हैं प्रार्थना करना। सारे धर्म के लोग प्रार्थना को महत्व देते हैं, हिंदू धर्म में प्रार्थना का महत्व होता है और जो है बुद्ध धर्म में प्रार्थना की जाती है, मुसलमान भी प्रार्थना करता है, सिख धर्म में भी प्रार्थना को महत्व दिया गया है। सब लोग प्रार्थना को महत्व देते हैं, हर एक इंसान जो है प्रार्थना को जो है महत्व देता है। प्रार्थना, हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं इसलिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर जो है प्रार्थना कहते हैं लेकिन प्रार्थना करते भी हैं तो बहुत ही कम करते हैं, और जो है हमें प्रार्थना एक अनुष्ठान की तरह लगता है, एक रीति की तरह लगता है। हमें प्रार्थना करते वक्त एकदम भयभीत होकर, शांत होकर, आत्मिक होकर खड़े होने की आदत हो जाती है। प्रार्थना जो है परमेश्वर से बात करना है, जीवते परमेश्वर से बात करना, जिसने हमें बनाया उससे हमें बात करना है, यही प्रार्थना है। प्रार्थना एक जादू नहीं है। बहुत लोग आजकल आकर जो है बोलते हैं इस काम के लिए प्रार्थना कर लें, उस काम के लिए प्रार्थना कर दें, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दें, मैं जो है तंगी में हूँ मेरे लिए प्रार्थना कर दें। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखें। हालेलुया। वो जो है महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इस बात को आप स्मरण में रखें, वो जीवता परमेश्वर है जिससे आप बात कर सकते हैं। हालेलुया। हमें दिखता नहीं है लेकिन वो वास्तव में है। हालेलुया। नास्तिक भी प्रार्थना करता है। वो कैसे प्रार्थना करता है? एक घंटे बोलता रहेगा कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाद में उसका हाथ पैर ठंडा पड़ जाएगा, बोलेगा हे भगवान, परमेश्वर का नाम फिर भी उसके जबान में आ जाता है। अंततः जो है परमेश्वर है, हर एक व्यक्ति बोलता है, नास्तिक भी बोलता है। आज इस महामारी के मौसम में हर एक नास्तिक के जुबान में ये बात आ गई है कि कोई एक शक्ति है जो है हमें जो है नियंत्रित कर रही है, जो इन बातों को नियंत्रित कर रही है, इन संक्रमण, ये आज जो विश्व में फैला हुआ महामारी का मौसम है, ये भी परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है। इस बात को हर एक व्यक्ति जान गया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना अक्सर हम लोग तभी करते हैं जब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या कोई ज़रूरत होती है, या कोई बीमार होता है तो हमें प्रार्थना करने लगते हैं। जब खांसी आती है, हमें जो है बुखार आने लगता है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं और क्या करते हैं, घुटने में आ जाते हैं, बोलते हैं प्रार्थना करो प्रार्थना करो, कहीं पता चले कहीं हमें COVID-19 तो नहीं हो गया। डॉक्टर ने यदि बताया कि आपको जो है थोड़े से COVID-19 के लक्षण लग रहे हैं, तुरंत हम बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार जो है अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रार्थना का ये अर्थ नहीं है, प्रार्थना एक जादू नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा संबंध बनाए रखना है। हालेलुया। परमेश्वर, ये प्रार्थना एक वेंडिंग मशीन नहीं है,
पैसा डाला और नीचे से जो है कॉफ़ी चाय निकल आई या जूस निकल आया, परमेश्वर से मांगा और हमें मिल गया। पर जब बहुत बार टग ऑफ वार में हम देखते हैं दो तरफ से रस्सी खींच रही है, दोनों तरफ छः छः लोग खड़े हैं और खींच रहे हैं रस्सी को, बाद में एक का पलड़ा भारी हो जाता है और उस तरफ रस्सी गिर जाए, वो लोग गिर जाते हैं और उनको वो प्रबल हो जाते हैं उस दूसरे वाले लोगों से। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करते रहो और बाद में मिल जाता है तो परमेश्वर किसी भी हालत में दे देता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये हमें समझना है। यीशु मसीह ने इस बात को महत्व दिया है। हर वक्त हर अद्भुत चमत्कार करने के बाद वो जाके पहाड़ पे जो है परमेश्वर के साथ समय बिताता था। हालेलुया। चेलों ने भी जब परमेश्वर के साथ रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अद्भुत चमत्कार करना सिखा या फिर समुद्र पे चलना सिखा, पानी पे चलना सिखा, या फिर ये काम करना सिखा या वो काम करना सिखा। उन्होंने यीशु मसीह से कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। ऐसा क्यों कहा? उनके चेलों ने यीशु के साथ रह के जान लिया कि प्रार्थना में सामर्थ है जिसके द्वारा यीशु इतने बड़े बड़े काम करता है। अद्भुत और आश्चर्य कर्म यीशु के द्वारा इसलिए ही होते हैं कि वह प्रार्थना में अपना समय बिताता है। इसलिए चेलों ने यीशु मसीह से विनती की कि प्रार्थना कैसे करें, हमें सिखा, हमें भी प्रार्थना करना सीखना चाहिए। हालेलुया। समय जो है यूं ही, बहुत लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही प्रार्थना करने बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना ऐसी कोई बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उससे बातचीत करें, हमारे जीवन के हर एक बात को उसको बताएं, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको शामिल करें, उसका हस्तक्षेप को परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हालेलुया। एक फुटबॉल कोच ने एक बार अपने खिलाड़ियों को बुलाया, और कहा कि ये देख रहे हैं, हाथ में फुटबॉल लेकर उसे बताया कि इस फुटबॉल को आप ध्यान से देखो और इसके वीडियो को देखा करो, इसके बारे में संदेशों को पढ़ा करो, खबरों को पढ़ा करो और इसको समझने की कोशिश करो। प्रार्थना इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना को समझना है। पर प्रार्थना बहुत बार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हम प्रार्थना करके उठ जाते, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हमें प्रार्थना का विषय नहीं मालूम होता, हम सोचते रहते हैं कि किस बारे में प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस जो कि प्रार्थना का योद्धा रहा अपने जीवन में, वो लिखता है रोमियो की पुस्तक 8:26 में, रोमियो को लिखता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता से सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रार्थना करना नहीं आता, यही हमारी दुर्बलता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा परमेश्वर इस दुर्बलता में प्रबल होने में हमारी मदद करता है, प्रार्थना करने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। हमें प्रार्थना को महत्व देना चाहिए। हालेलुया। आइए प्रार्थना की चार महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। हालेलुया। ताकि प्रार्थना नीरस न बन जाए हमारे जीवन में, ये बोरिंग विषय न बने हमारे जीवन में, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद 7 बार प्रार्थना करता था रोज। हालेलुया। भजन संहिता 119:164 में लिखा है, आप समय निकाल के इसे देखें और पढ़ें और समझें। दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। हमें प्रार्थना निश्चय ही करनी चाहिए। 4 महत्वपूर्ण बातें जो कि प्रार्थना की हैं। सबसे पहले, परमेश्वर आपसे बात करने की इच्छा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमसे संबंध बना के रखना चाहता है, हमें बात करना है परमेश्वर से। क्या बात करें? क्या गंभीर हो जाएं परमेश्वर के सामने आकर? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम खुले दिल से परमेश्वर से बात करें, जो भी मन में आता है उसे बताएं। मेरी पत्नी इस प्रकार व्यवहार करती है, मेरे से बात ऐसे करती है। मेरी पति जो है हमेशा
डांटता रहता है। मेरा पिता मुझे हमेशा व्यवस्था की बातें बताता रहता है, डांटता फटकारता रहता है, मारता है। किसको बताएं? परमेश्वर से बताएं, परमेश्वर को हर चीज बताएं, किसी भी विषय में बात करें, परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। हालेलुया, आपके साथ समय बिताएगा, आपको जो है प्रसन्न करेगा। हालेलुया, आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बातचीत करने की इच्छा रखता है। एक पिता अपने पुत्र को कपड़े दिलाता है, खाने पीने की चीज़ें देता है, खेलने की चीज़ें देता है, जब बीमार पड़ता है उसको अस्पताल ले जाता है, उसकी बीमारियों का इलाज कराता है, लेकिन बेटा बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता पिता से। पिता को कैसा लगेगा? पिता को बड़ा बुरा लगेगा। हालेलुया, हैं, हमें परमेश्वर सब कुछ देता है, हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमारा धन्यवाद करें। आज उसके उपस्थिति में हम लोग हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। समय निकाले इस साल के इस पहले महीने में, संकल्प जैसे आप लोगों ने अच्छे संकल्पों में लिख लिया होगा, एक घंटा एक दिन के लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे, रोज प्रार्थना करें, उसमें बने रहें। हालेलुया, चाहे आपका जीवन का जहाज क्यों ना डूब जाए, आप लोग परमेश्वर के साथ बातचीत करना ना छोड़ें, परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखें। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। विषय चाहे कैसा भी हो, आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर जो है परमेश्वर से बातचीत करनी है। छोटे से छोटे विषय में परमेश्वर से बात कर सकते हैं, बड़े से बड़े विषय में परमेश्वर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने आपसे बात करना चाहता है, प्रार्थना की आपसे उम्मीद रखता है। हालेलुया, आप बिल्कुल निडर होकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं, और यही नहीं कि आपको गंभीर होकर आत्मिक होकर जो है परमेश्वर के पास आना है, आत्मिक विषयों से ही के बारे में ही परमेश्वर से बातचीत करनी है। परमेश्वर से हर कोई चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं, परमेश्वर आपके साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरी बात, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, सच्चे मन से आना, ईमानदारी से आना है और पूरे विश्वास के साथ आना, इस बात को याद रखें। दूसरी बात, ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना। इब्रानियों की पुस्तक 10:22 हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 10:22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हमें सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना है, ईमानदारी के साथ आना है, और पूरे विश्वास के साथ आना है, आधे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास नहीं आना है, पूरे मन से आना है और पूरे सच्चाई से परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया, तीसरी बात, अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, दया का धनी और देने के विषय में उदार दिल है। हालेलुया, परमेश्वर अनुग्रहकारी, उसके पास सब कुछ है और वो दयावंत है, वो देना चाहता है, वो हमें सब कुछ देना चाहता है, अनुग्रह भी रखता है। वो ये नहीं कि हम जैसे कोई सामान को किसी को बांटना है तो थोड़ा कंजूसी कर बांटते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, भविष्य के सोच के हम कुछ देने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो जो है खुले दिल से देता है, वो अनुग्रहकारी है। परमेश्वर जो है खुले दिल से देने वाला परमेश्वर, इस बात को प्रार्थना के विषय में याद रखें। सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, दूसरा परमेश्वर जो है ईमानदार और विश्वास के साथ आने वाले से बात करता है, और तीसरा जो है परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया का धनी और देने में जो है उदार दिल है, उसका दिल खुला है, वो पूरा देना चाहता है, कुछ बचा के रखना नहीं चाहता। अब यदि देखें बाइबल में दृष्टांत है 5 रोटी और 2 मछली का, जिसमें परमेश्वर ने प्रार्थना करके तोड़ी और 5,000 लोगों को तृप्त किया। 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर 5,000 लोगों को तृप्त किया, और यही नहीं उन्होंने 12 टोकरियां निकाली। हालेलुया, इतना अच्छा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कितना अनुग्रहकारी भी है। हालेलुया, पुराने नियम में हम देखते हैं मन्ना को परमेश्वर ने बहुतायत से दिया। परमेश्वर जो है हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमें ये याद रखना है, परमेश्वर के पास सब कुछ है और सब कुछ वो खुले दिल से देना चाहता है। हालेलुया, हमें उसके पास जो है प्रार्थना में हमेशा आना है। हालेलुया,
वचन पढ़ेंगे, यर्मिया की पुस्तक 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो प्रार्थना को सुनकर जो है कठिन से कठिन बातों को बताएगा और हमें जो समझ नहीं आता उन सबको जो है समझाएगा। हालेलुया, हमारी समझ से ज़्यादा हमें समझाने वाला, हालेलुया, देने वाला परमेश्वर, हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, उसके पास आना है। हालेलुया, ये महत्वपूर्ण 3 बातें मैंने बताई। चौथी बात है, परमेश्वर हमारे दिल के करीब रहना चाहता है, वो बिल्कुल नज़दीक रहना चाहता है, हमारे करीब रहना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे दिल के करीब रहना चाहता है, बिल्कुल नज़दीक रहना चाहता है। परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है। हालेलुया, यही कारण था कि वो इस संसार में उतर कर आया और हमारे लिए उसने दुख सहा, कष्ट सहा, इसलिए उसने अपनी जान को दे दी, क्रूस की मृत्यु सहा, सताव को सहा, निंदित हुआ। हालेलुया, परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, वो हमारे करीब रहना चाहता है। और वो कहता है, चेलों को कहता है, मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तुम मेरे चेले नहीं रहे, मेरे दोस्त हो। हालेलुया, हमें परमेश्वर दोस्त बुलाता है। हाले, धन्यवाद करें परमेश्वर का कि इतना महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सब कुछ बनाया जिसने, और आज हमारे करीब रहना चाहता है। हालेलुया, वो सब कुछ दे देना चाहता है, हमें हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, और हमारे करीब रहना चाहता है, हमें दोस्त बुलाता है। हालेलुया, कितना महान, हालेलुया, परमेश्वर है। कितना सौभाग्य प्राप्त हैं हम लोग, हालेलुया, कि परमेश्वर हमसे दोस्त कहता है, हर बात जो हमारी है वो जानना चाहता है और हमें उसका हल निकाल के देना चाहता है। यदि हम संकट में हैं, हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं, परमेश्वर उनमें अनुकूल परिस्थितियां बनाने का सामर्थ्य रखता है। इस बात को याद रखें, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर उसका हल जानता है, उसका इलाज जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करने में हिचकना नहीं चाहिए और जो है सोचना नहीं चाहिए और जो है प्राथमिकता देनी चाहिए प्रार्थना को। जैसे हमने 4 महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण आधारभूत खंभे जो कि प्रार्थना के हमने जाने, इसको हम जो है अपने मन में लगा लें और जो है रोज़ प्रार्थना करें। 4 बातें मैं दोबारा से बताऊं, परमेश्वर आपसे बात करने की इच्छा रखता है। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ आएं। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और जो है हमें खुले दिल से देना चाहता है, उसके पास सब कुछ है, वो खुले दिल से पूरा देना चाहता है। चौथी बात, वो हमारे दिल के करीब रहना चाहता है, वो हमारा दोस्त है। हालेलुया, वो जीवता परमेश्वर है, आज भी जीवित है। हालेलुया, रोज जो है आप प्रार्थना करें। हम कैसे परमेश्वर की सेवा करते हैं? परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया जो हमें दिखता है, जिसका आविष्कार भी आज हो रहा है और होने जा रहा है, उन सबको परमेश्वर ने बनाया, उसकी हम प्रार्थना करते, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना और उपासना करते हैं। हालेलुया, रोमियो की पुस्तक 1:20 में लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर के जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया, इतने महान कार्य परमेश्वर ने बनाया है, यदि हम उसको अनदेखा कर दें और हम प्रार्थना न करें तो हमारे लिए एक शाप होगा। हमें नियमित रूप से निरंतर परमेश्वर के साथ लगे रहना चाहिए। हालेलुया, और परमेश्वर पिता हमारी मदद करता है, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मदद करता है। हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी है, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर जो है विचित्र है, विशेष है। हालेलुया, विशेष है, वो महान है, वो विशेष है। क्यों विशेष है? यूहन्ना की पुस्तक 3:8 में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और इसका शब्द सुनता है पर नहीं जानता कि कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा जहाँ चाहे वहाँ जाती है, वो विशेष है, विशेष है, वो विचित्र है, हमें समझ नहीं आता बहुत बार परमेश्वर क्या है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है, वो शांत है। हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया, उस परमेश्वर के पास प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हमारे
प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। महत्वपूर्ण बात, परिपेक्ष्य, कुछ परिपेक्ष्य जिससे हमें जो है प्रार्थना करनी है, पर्सपेक्टिव, प्रेयर के लिए पर्सपेक्टिव्स हैं, किस दृष्टिकोण से हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने के दृष्टिकोण, परिपेक्ष्य, पीछे देखकर प्रार्थना करें। पीछे देखकर प्रार्थना, पीछे क्या देखें, अपनी कमियों को देखें, अपनी गलतियों को देखें, अपनी असफलताओं को देखें, नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस में उन पापों की जो है सफलता हासिल की है, जय हासिल की है, संसार पे जय हासिल की है, उसको देख के हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, वो जो है हमारे सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया है, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमें जयवंत जीवन जीने का जो है अधिकार दिया है, हमें मौका दिया है, इसलिए हमें जो है पीछे देखकर प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यीशु के क्रूस पर जो है हमें देखकर प्रार्थना करनी है। दूसरा, ऊपर देखकर प्रार्थना करनी। ऊपर क्या देखें, परमेश्वर पिता को देखें। हालेलुया। हमारा पिता ऊपर विराजमान है। हालेलुया। उसको देख के हमें प्रार्थना करनी है, हमें उसके हाथ को देख के प्रार्थना नहीं करनी है, हमें उससे मांगते नहीं रहना। जब भी हम प्रार्थना में आते हैं हमारी सूची बड़ी लंबी होती है, हमें हमारे घर का किराया देना है, हमारे स्कूल का फीस देना है, हमने हमारी नौकरी में जो है दिक्कतें आ रही हैं, हमारे परिवार में परेशानियाँ आ रही हैं, कुटुंब में जो है अशांति फैली हुई है, इनकी मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, परमेश्वर के मुंह को देख के प्रार्थना करनी है। उसको बताना है, परमेश्वर तू महान है, सब परिस्थिति में तू जो है नियंत्रण रखता है। हाले इस बात को बताकर उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह को देखकर हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हों, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। परमेश्वर को हम अब्बा पिता करके बुला सकते हैं। आइए आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें बेटा बना लिया, अपना बेटी बना लिया है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें अब्बा पिता कहलाने का अधिकार हमें दिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसके लहू से धोकर पवित्र और शुद्ध हो गए हैं। हम उसके पुत्र कहलाते हैं, हम उसके संगी वारिस भी हैं। हालेलुया। इसलिए हमें उसको देखने का अधिकार मिला है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता के साथ एक संबंध स्थापित करने का हमें अधिकार मिला है। ऊपर देखकर हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तीसरा, हमें अंदर, अपने अंदर देखकर प्रार्थना करनी है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर की गंदगी सारी निकल गई है, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, व्यभिचार के विचार, गंदे विचार, लोभ, लुचपन, गंदी बातें हमारे अंदर से निकल गई हैं। यदि नहीं निकली हैं तो तुरंत इस वक्त प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर का स्पर्श उन सब को निकाल देगा, हमारे जीवन को पवित्र शुद्ध करेगा, ताकि हम उसके योग्य पुत्र कहला सकें और हम उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें और आशीषित हो सकें। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, संयम, ये सब हमारे अंदर है, विश्वास हमारे अंदर है, ये सब हमारे अंदर होने के कारण हम अंदर देखकर प्रार्थना करें, हम अंदर देखकर प्रार्थना करें। हालेलुया। चौथी, हम अपने चारों तरफ देखकर प्रार्थना करें। चारों तरफ क्या है, चारों तरफ हमारे 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 लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वे लोग बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, बहुतों की भविष्य की चिंता खा रही है, उनके लिए, उनको देखकर प्रार्थना करें, वे लोग उद्धार पा जाएं, परमेश्वर से बोलें मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, इस जगत में तूने रखा है। चारों तरफ देखकर जो है अपने आप को सौभाग्यवान मानकर आप लोग शांत ना हो, उनके लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, जगत में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करें। चारों तरफ देखकर प्रार्थना करें, उन जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें, भविष्य में के चिंतित लोगों के लिए प्रार्थना करें, बीमार के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर तू इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर,
मुझे योग्य बर्तन बना, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरा अच्छा बर्तन बना ताकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम जो है चारों तरफ जो है जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके जो है ज़रूरतों को पूरा कर सकें, क्योंकि परमेश्वर हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। चारों तरफ देखकर हमें प्रार्थना करनी है। पांचवा, अपने आगे देखकर प्रार्थना करें। हमारे दर्शन, सपने, योजनाएं परमेश्वर पूरा करेगा। हमारे आगे बहुत से दर्शन होंगे, बहुत सी योजनाएँ होंगी, बहुत से सपने होंगे जिसको साकार करने का आप लोग सोच रहे हैं। परमेश्वर से वो आगे देखकर प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मेरे आगे जो भी योजनाएं हैं, जो भी सपने हैं परमेश्वर तू साकार कर। फिलिपियों की पुस्तक 1:6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो अच्छा काम हमारे जीवन में शुरू किया है उसको वो जो है यीशु मसीह के आने तक सिद्ध करेगा, हमें सिद्ध करेगा। हालेलुया, हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, आइए हम अपने घरों में बैठे हुए ही घुटनों में आ सकते हैं, परमेश्वर की तरफ अपने ध्यानों को केंद्रित करें। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे प्रार्थना से तेरी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, मेरे जीवन में जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो परमेश्वर तू मेरा जीवन का परमेश्वर हालेलुया प्रथम है। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया तेरी महिमा के लिए परमेश्वर आज के इस शुभ दिन को परमेश्वर मेरे जीवन से जोड़ा। आज परमेश्वर तेरी आराधना में आया हूँ परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों को जो हमने सुने हैं परमेश्वर, वो हम दिल में अधिकाई से बसे परमेश्वर। हालेलुया, चार महत्वपूर्ण प्रार्थना के खंभे परमेश्वर, हालेलुया तू हमसे बातचीत करना चाहता है, तू हमसे उम्मीद करता है कि सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ आएं, और तू अनुग्रहकारी है, दया का धनी और देने में उदार दिल है परमेश्वर। तू हमें अपना दोस्त कहता है, ये हमारा सौभाग्य है परमेश्वर, तू इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, उसकी उपस्थिति हमारे घर में है, धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर, जय जयकार हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, जीवते परमेश्वर। आज के शुभ दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, जो आज परमेश्वर इस ऑनलाइन सभा में जुड़ा है, तेरी आराधना कर रहा है, तेरे वचनों को सुन रहा है परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर अधिकाई से बसे परमेश्वर, प्रार्थना के महत्व को समझने में मदद कर परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर अधिकाई से दिल में बसे परमेश्वर, सबको आशीष दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विश्व भर के लिए परमेश्वर, मानवता में एक जागृति की रहर, यीशु मसीह तू ही सच्चा परमेश्वर, ये बात परमेश्वर हर एक भाई बहन जान जाए, तू ऐसा कर परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, परमेश्वर हर एक भाई बहन जान जाए कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू ही एकमात्र अधिपति है, शासकों के जीवनों में तू काम कर परमेश्वर, सबको आशीष दे, सबको चला परमेश्वर, ते सुरक्षा का हाथ हर एक के ऊपर होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो ही देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन।